नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जाएंगे मुक्तेश्वर धाम, जो 5,500 साल पुराना है और वो शाहपुरगंडी के डोन गांव में पड़ता है। तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं। तो चलिए, हम पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर धाम की पार्किंग में। ये अगर आपको यहाँ पे आना है तो मुक्तेश्वर धाम अपने गूगल मैप में लगा के ये आपको सीधा ले जाएगा पठानकोट के डोंग गांव में, जो शाहपुरगंडी में पड़ता है। और यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा है, तो आप आराम से अपनी गाड़ी में आके पार्क कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, आपको पार्किंग से नीचे गुफा तक आने के लिए 350 सीढ़ियाँ उतर के आना पड़ेगा। इसे मिनी हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग ना जा पाते हैं तो अस्थियाँ भी यहाँ विसर्जन की जाती हैं। ये जो गुफा है पांडवों द्वारा बनाई गई है, वो चलिए आपको बताते हैं कि कैसी है। महेश्वर
जी है। मैं अनुपेश्वर राम का बिहारी हूँ। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों का जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें वर्ष के लास्ट में यहाँ पहुँचे। 6 महीने जहाँ रहे, जब तप किया, 5 गुफाओं का निर्माण किया। वो मंदिर से लेकर मेरे पीछे तक एक ही गुफा है। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज की ये गद्दी है, ये उनका दूना है। ये जो मेरे पीछे है, द्रौपदी माता नाम से रसोई थी। 3 गुफा ऊपर है, 2 देखने को मिलेगी। 1 को भंडार कक्ष में प्रवर्तन करके हम, और 5वीं गुफा जो थी, इस गुफा से भी दुगनी तिगनी बड़ी, ये बड़े पहाड़ के पीछे दरिया के भी डूब चुकी है, समाज की अखंडत हो चुकी है। ये मुक्तेश्वर धाम है, इसको मुक्ति का धाम भी कहते हैं, इसको जहाँ मिन्नी हरिद्वार भी कहते हैं, जहाँ अस्थियाँ जल प्रवाह भी होती हैं, पितरों का पिंडदान भी जहाँ होता है, हर मस्या में श्राद्ध पर, तिथ पर, बैसाखी पर, जहाँ रहने की भी सुविधा है, जहाँ 24 घंटे लंगर रहता है, और सबसे विशेष बात कि भगवान शंकर जी ने यहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर चिनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञातवास था, उन्होंने वहाँ काटा था। और शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, यहाँ पे पांडव द्वारा 2 गुफाएं और बनाई गई हैं, जिनमें से एक का नाम पांडव उपासना कक्ष है और एक पांडव ध्यान कक्ष, जहाँ पे पांडव बम भोले जी की आराधना किया करते थे, वहाँ के भी अंदर से आपको दर्शन करवाएंगे। तो चलिए, यह हमारा पांडव का उपासना कक्ष, जहाँ पे उन्होंने देखिए, पुराने ज़माने का बनाया गया है, पांडव के समय का उपासना कक्ष, ध्यान केंद्र। ये पांडव के समय का शिवलिंग है। जय बोले। तो दोस्तों, आप यहाँ पे ज़रूर आइए, और यहाँ पे 24 घंटे लंगर की भी सुविधा है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये मिनी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, और यहीं पे अस्थियाँ वगैरह विसर्जन भी की जाती हैं। तो हम सभी यहाँ पे मुक्तेश्वर धाम जी के दर्शन करके निकल चुके हैं अपने गुरु की कुटिया में, श्री नंगली निवासी जी की, जो यहाँ पे रास्ते में ही पड़ती है, तो आपको उनके भी दर्शन करवाएंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तो यहाँ कुटिया के दर्शन करके थोड़ा लंगर चख के हम निकल पड़े। होप सो गाइस आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।